मेरी शादी खाली 50 रुपए में हो गई और कुछ ज्यादा लोग भी नहीं बुलाए, मैं, मेरी मिसेस और दो चार मेरे दोस्त थे, क्योंकि हम भी हैं उनके ही विचार के हैं। ये शादी को खर्चा नहीं होना चाहिए, बड़े खाना खिलाने को खर्चा नहीं होना चाहिए। जब भी दूसरे ने इस तरह से बोलना, कान टूचे बोलते हैं ना सोनार ने, तो ऐसे सोनार है वो, आज उन्होंने जो बताया इसके लिए हम सब सहमति है आपके विचारों पर, कि तालीम कराने का भी काम करें। जैसे ही शादी होती है, बहुत अच्छी बात की कादी साहब आपने, देखो आपने जब बात करते थे तभी मुझे याद आया मेरी शादी का। आपको पता है मेरे, हाँ नहीं आवाज आ रही है तो जो आवाज की बात उतनी मैं सुनाता हूँ। मेरी शादी खाली 50 रुपए में हो गई और कुछ ज्यादा लोग भी नहीं बुलाए, मैं, मेरी मिसेस और दो चार मेरे दोस्त थे, रजिस्ट्रेशन के 50, उन दिनों 70 में 50 रुपए लगते थे रजिस्ट्रेशन के लिए, उतने लगे, क्योंकि हम भी हैं उनके ही विचार के हैं। ये शादी को खर्चा नहीं होना चाहिए, बड़े खाना खिलाने को खर्चा नहीं होना चाहिए। समाज में जो हम पैसा ये लगाते हैं उसका अच्छा एजुकेशन में या मेडिकल एजुकेशन में खर्चा करना चाहिए। ये बातें हमें तभी से बात करते हैं। आज कादिर साहब आए, जब भी दूसरे ने इस तरह से बोलना, कान टोचे बोलते हैं ना सोनार ने, तो ऐसे सोनार है वो, आज उन्होंने जो बताया इसके लिए हम सब सहमति है आपके विचारों पर, और हमारे सब साथी फॉलो करेंगे। एक बार इस तरह की बात आ गई तो हमारे सब 4-5 लोग हैं तो इकट्ठा होकर ये काम करते हैं और करेंगे एक नया समाज बनाने के लिए। आप सबकी ताकत हमारे लिए चाहिए, हमारे देश के लिए चाहिए। मैं तो अभी राजनीति में मेरा वक्त खत्म हो गया, खत्म। देखिए आदमी कितना 83 पे आया हूँ मैं, कितने लोग हैं अपने 83 के यहाँ? नहीं नहीं थोड़े होंगे, एक दो हमारे नई जिंदगी में रहता है वो 85 में उधर बैठा है, वो टीचर नहीं है, वो टीचर का बाप है। मुझे हो अरे मुझा बोले वही होता है। तो वक्त निकल गया, लेकिन अभी नई पीढ़ियां आगे आना चाहिए। ध्वनिति आपके लिए रात दिन काम करती है, उनके साथ आप देते हो, और क्या चाहिए। और आज इस कार्यक्रम में मैं आपको शुभकामनाएं देता हूँ। कादिर साहब ऐसे आप बीच बीच में आते जाइए और हमारे को मार्गदर्शन करते जाइए। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।